आप सब में से किसी ना किसी के साथ रिश्तेदारों ने और आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके दोस्तों ने, बड़े भाई, बड़ी बहन, इन सब ने आपकी अच्छे से धुलाई की होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में. धुलाई मीन्स आपको सुनाया होगा कि आप यार कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो. कुछ नहीं मतलब आपका कुछ हो ही नहीं सकता. और आपके टीचर्स ने भी बोला होगा आपको कि आपका कुछ नहीं हो सकता. भाई मेरे साथ सेम हुआ है, मेरे साथ सेम हुआ है. मेरे टीचर्स, मेरे रिश्तेदार, घर वाले तो नहीं बट रिश्तेदारों ने कि भाई कुछ नहीं हो सकता तेरा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता. आज की तारीख में 12वीं पास हूँ मैं, पढ़ाई छोड़नी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ घर के हालात. 12वीं पास हूँ और आज की डेट में 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ. क्यों कमाता हूँ? क्योंकि मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा और ज़िंदगी में हिम्मत कभी नहीं हारी. ये दो चीज़ें क्या, एक तो सीखना कभी नहीं छोड़ा और दूसरा हिम्मत कभी नहीं हारी, नेवर गिव अप एटीट्यूड. तो अगर आप अपने रिश्तेदारों के मुंह बंद कराना चाहते हो, है ना, और अपने लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो बिल्कुल ना, तो सीखना कभी मत छोड़ो लाइफ में. जो चीज़ तुम्हें पसंद है ना, जो चीज़ तुम्हारे दिल को भाती है और दुनिया को भी भाती है, वो चीज़ पे फोकस करो, बिल्कुल वो चीज़ पे महारत हासिल करो और उस पे लग जाओ. आंख बंद करके दिन रात लग जाओ भाई, जब तक सफलता नहीं मिलती ना, लगे रहो उस पे. ऐसे नहीं कि भाई हो गया अभी बस ठंडे पड़ जाओ, नहीं, गिरोगे उठो, फिर गिरो, फिर उठो भाई. हिम्मत नहीं हारनी कभी. अगर आपने हाथ हथियार छोड़ दिए ना, लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारा. फिर तो तुम इसी के काबिल हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें गालियां निकाले, इसी के काबिल हो भाई. सीधी सी बात है, हिम्मत नहीं हारनी है. ठीक है, सीखना चाहते हो मैसेज करो और सीखो और एक अच्छी लाइफ दो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को. एंड सो दैट्स इट. गाइस, आज का वीडियो फिर से मास सफदर व्लॉग है. लास्ट व्लॉग जो हमने किया था बहुत इंटरेस्टिंग था, सच बेहतरीन में था. मास सफदर और उनकी फैमिली पूरी मदीना शरीफ गए थे एंड तीनों गंजे हो गए. हमारे जो तीनों भाई हैं, मास सफदर, भाई हुसैन और उसके बाद अपना डमारस मेंडिस, साज, नहीं, ये क्या नाम था वो भाई का, वो एटीट्यूड बॉय, वो हाँ भाई का एटीट्यूड भाई नाम बोलते हैं साज उनको। है ना, साज, हाँ माज और साज, साज है, साज साज साज. साज हाँ, उनका करेक्ट। सेकंड उम्रा था ये, उन्होंने कंप्लीट किया है. और उम्रा के बाद ऑब्वियसली थोड़े से बाल काटने पड़ते हैं ना, 1 इंच काटने पड़ते हैं, शायद उन्होंने हाँ पूरे उड़ा दिए. तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कैसा होगा ये व्लॉग. सो लेट्स स्टार्ट दिस दिस वीडियो। अरे आ गया, वो ऐसे अच्छा, बोलते हैं ना ये जो है ना भाई, डायरेक्ट कि यूं कहाँ से करो, आ डायरेक्ट यूं गया करो, ये बीच में आ गया भाई. अस्सलाम वालेकुम सामने रहमतुल्लाहि मक्का. व बरकातुहू। भाई सीन ऐसा है कि आज हमें करना है भाई अपना सेकंड उम्रा, और सेकंड उम्रे के साथ साथ हमारी हो जानी है टिंड। आज हम हो जाएंगे भाई पूरे टिंड गंजे। पिछली बार तो सिर्फ हमने बाल काट लिए थे लेकिन गंजे नहीं हुए थे, तो आज दूसरे उम्रे में हम होंगे गंजे। जब से हम गारे हीरा से होकर आए ना, मतलब के इतना तेज फीवर हो रहा है, इतना तेज, अभी भी बुखार में ब्लॉग बन रहा है मेरा तो। वहां पर पता है क्या होता है, ये नहीं है कि आप थक जाते हो तो आपको बुखार हो जाता है, आप वहां पर ठंडा पानी, ठंडे जूसेस बहुत पिए, बहुत पिए, कल भी बहुत पिए, पूरे पूरे दिन। तो अभी हो रहा है भाई बहुत ही कोई टाइट वाला फीवर और ब्लॉग बन रहा है इस वक्त। तो अभी चलते हैं भाई पापा लोग के कमरे में, वहां पर सारे बैठे हुए और खाना खा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। रूम की चाबी जो अभी सबा के पास ही है, तो इसको कर भी दे तो बन मसला नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो रही है भाई, माशाल्लाह साथ में बैठ के खाना खा रहे। फीवर हो गया पापा, कल बहुत ठंडा ठंडा जो पिया है ना, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक। भाई मैंने मक्के में कोई जूस नहीं पिया अभी तक। हाँ नहीं पिया, मसाला खराब हुई है, जूस नहीं पिया। ये मुझे नहीं दिखा, मेरे लिए क्या मंगा भाई, गलती हो गई। अब मैं नहीं पीऊंगा ना कोल्ड ड्रिंक ना कोई ठंडा पानी, बस गर्म गर्म पानी। तो हम खाते हैं भाई अपनी दाल और रोटी। और ये रहा भाई मेरा एहराम, हमने इसको ना फोल्ड करके इधर रख दिया था कि यार दोबारा उम्रा करेंगे तो दोबारा पहनेंगे, और बेल्ट वेल्ट भी सब बिल्कुल सही सलामत है भाई। अक्सर होता ये है कि कभी बार एहराम में ना कुछ गिर भी जाता है जब आप खाना खा रहे होते हो उम्रा करने के बाद ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एहराम बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है इस टाइम पे, चमकदार। तो यही एहराम पहनेंगे और इसमें करेंगे हम दूसरा उम्रा, और वहां पर भी सब रेडी हो रहे होंगे। अब इस वक्त हो चुकी है बिल्कुल रात और मैं थोड़ा बहुत कर रहा था आराम, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल साथ नहीं दे रही। आज मैंने उम्रा करना है बुखार के अंदर, नहीं छोड़ सकता यार, इबादत के लिए आए हैं और बीमार हो जाए, लेकिन इबादत तो मस्ट है ना यार। कभी कभार तो अल्लाह मौका देता है इतने अपने करीब बुला के इबादत करने का, क्या ही बात है यार। ये सोचते हुए ना पूरे ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हम उस जगह पर हैं जहां पर पूरी दुनिया, पूरी दुनिया ये बोलती है कि खाने का किबला किधर है, किबला किधर है, और हम उस जगह पर हैं जहां पर किबला बीच में है और सब चारों तरफ नमाज मतलब किबले की तरफ करके पढ़ रहे होते हैं।
सुभान अल्लाह मतलब देखते साथ ही ना ठंडक सी मिल जाती है आंखों को, ठंडक सी। तो देखते हैं सब रेडी होकर कब आते हैं, जब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओके मंगाया भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का बहुत खाने के लिए, दोपहर के बाद से कुछ खाया नहीं था, सोचा तो भाई यहाँ होटल से कुछ मंगा लेते। ओए ये मंगाया भाई हमने होटल का पिज्जा, लाइक पाकिस्तान से तो भाई बहुत ही महंगा है यहाँ का खाना। अगर भूख लगी है तो मंगवाना तो लाजमी था। ये शक्ल चेक करो कितना बेहतरीन लग रहा है ना ये, अब ये देखो। अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा यार, भूख भी जो लगी है, लेकिन चूना तो लग गया। आजा अबे आजा भैया, किधर गया? वेलकम वेलकम। पिज्जा खाने आ गए क्या आप? सलाम। अबे टमाटर भी आ गया। दिल में सोचा मुझे कुछ खाना है, देख आ गया। मैंने सिर्फ एक कॉल की है भाई कि आ जाओ पिज्जा। पिज्जा कहाँ से आया? पिज्जा का सब पागल लोग। आराम से ये मक्खियां घूम रही है क्या? पापा जल्दी भाई चले मक्खियां घूम रही है ना। जल्दी मॉम के कमरे का व्यू तो देखा ही नहीं हमने, मॉम के कमरे का व्यू। अरे यहाँ तो सिर्फ सिटी दिख रही है, हमारे कमरे से फिर भी दो मीनार दिख रहे हैं। मैक्स टाइम अगर एक व्यू चाहिए होगा तो पहले से करवा लेंगे बुक। पहले से कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि हम गंजे होके जाएंगे भाई। गंजा होना आ जा, खाना जो लेने जाओगे वो गंजा होकर, गंजे होके खाना लेने जाएंगे। हाँ क्या बात है भाई, टिन पे लोग यूं बजाएंगे हाथ। खाना नहीं मिलता है? मिलता तो है लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, इतने दिन बाद इतने टाइम बाद गंजे हो रहे हैं। दो लिफ्ट यूज करनी पड़ती है भाई, एक होटल वाली आती है फिर ये क्लॉक टावर वाली आती है। 50-50 बंदे एक लिफ्ट से निकल रहे होते हैं भाई। बात कर रहे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आज भी बड़ा रश है। कल रश नहीं था, पापा ने बोला था मगरिब के ईशा के बाद जाएंगे और उमरा सुकून से कर लेंगे। अच्छा मतलब अंदर रश नहीं है यार मेरे को ना, सच में ऐसे ब्लॉग बड़े पसंद। रश नहीं है, सही कैलकुलेशन की है पापा ने। सो आ चुके हैं भाई जहाँ पर टैक्सी हमें मिलेगी भाई। हमें एक टैक्सी करनी पड़ेगी या दो टैक्सी करनी पड़ेगी? पापा कितनी टैक्सी होंगी आज? बड़ी गाड़ी मिलेगी तो एक ही करेंगे। अगर बड़ी गाड़ी मिल गई तो फिर एक ही टैक्सी, अगर छोटी मिली तो फिर दो करनी पड़ेगी। और अभी जाएंगे डायरेक्ट मस्जिद आयशा, फिर वहां से करेंगे नियत उमरे की और देन उसके बाद आके उमरा स्टार्ट। तो दो तीन बैठ गए, पीछे बैठ गए परिया डमाटस मेटर भैया मेरे साथ। मॉम नहीं आ सकी यार, मॉम की हो गई तबियत खराब, तो मॉम से चला नहीं जा रहा, तो मॉम को हमने बोला ठीक है आप रेस्ट करो, हम लोग उमरा कर आते हैं। गाड़ी इधर ही पार्क होगी? ठीक है भाई नोट हो गया। ये रहे मस्जिद आयशा के मीनार, एक मीनार दो मीनार, खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद आयशा। ये साइड लेडीज है, ये जैन से दिल्ली से नफिल पढ़ो दो हो गई। नहीं अब जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी चलते हैं भाई हरम। मैंने अपनी चप्पल रखवा दी भाई सुबह के बैग में ताकि पकड़ना ना पड़े। तो सुबह सब पता लग ही गया होगा आपको है ना, अब तो मतलब पता नहीं चल सुबह ये नहीं ना। अब तो सुबह वैसे भी आज तीसरा दिन है हमारा और सुबह बहुत बार आ चुकी है भाई नमाज पढ़ने भी, सबको सारी जगह पता लग गई। अगर हम खो भी जाए तो मुझे पता है कि हमें कहाँ हो रहा होटल, ये रहा ऊपर ही है सामने। पानी पकड़ो स्टार्ट लेंगे भैया अभी ग्रीन लाइट से हजर असफर के बिल्कुल स्ट्रेट सामने खड़े होकर। और अभी हमारे दोस्त भी आ चुके हैं, हम देख रहे हैं मकाम इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे इत्तेफाक हो गया भाई उम्रे करने का, जिद्दे में तो आप कब से हो ना, लेकिन एक ये होता है ना कि अल्लाह ताला बोलते हैं आ जाओ भाई अब उम्रा कर लो, तो आज के दिन अल्लाह ताला ने कहा ये वाला इत्तेफाक चेक करें कि किस्मत में था तो साथ ही हो गया। अरे क्या हो गया भाई, फोटो खिंचवानी है? سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله। हो चुका है हमारा भाई तवाफ और अब कर लेते हैं भाई दो रकात नमाज वाजिबुल तवाफ। इधर ही पढ़ लेते हैं, इधर ही पढ़ लेते हैं। हो गया आप लोग का तवाफ माशाल्लाह। अच्छा आप लोग अलग थे, हम लोग अलग कर रहे थे। हाँ सुकून था ना, अभी रश ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा आपने हाथ लगाने का मिला माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जा रहे हैं हम भाई सफा मरवा की तरफ सही करने माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई। डमाटस मेंडस और भैया नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ है, मैंने उनको बोला था कि इधर मिलना मुझे और सब अलग अलग कर रहे भाई आज तवाफ और उमरा। मिल गया डमाटस मेंडस पर। अब नींद आ रही है इसको, इसमें क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लगाना है भाई सात चक्कर, 1 2 3 4 5 6 7 7 उधर लगता है। अच्छा एक बात है, मैं दिल करता है
जितने भी चक्कर है ना सारे तवाफ के और ये जो सही वाले सारे भाग के गुरु जाता भले टांग में टूट जाए ऐसा नहीं करता कसम से माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग साथ में आए होंगे निकल चुके हैं भाई सही करके और अब जा रहे हैं भाई हम लोग गंजे होने टकले होने जैसा कि हमने सबसे वादा किया था कि भाई हम दूसरे उम्रे पे गंजे और टकले होंगे टकले मैं और भैया टकले होंगे और मुझे अपने ब्लॉगिंग करियर में भी गंजा होना था तो आज बहुत ही हसीन मतलब लम्हा है कि गंजा होने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं गंजा हूँ इतने प्यारे वाले आपके नूडल्स वाले खैर होगा इससे भी ज्यादा अच्छे आएंगे इंशाल्लाह चल आ जा बे गंजे होते हैं इसकी तो बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू दो उम्र के लिए बर्थडे के दिन इसने अपने क्या बात है क्या बात है विश कर दो उसको भाई हैप्पी बर्थडे जिसकी मैंने कल पहले सबसे पहले मैंने विश किया था वाह भाई वाह यहाँ तो भाई कोई हम केक वेक कट नहीं कर रहे बस ऐसी हैप्पी बर्थडे बोल दिया कराची जाके करेंगे जो करेंगे अभी नहीं अब हमें भाई मिलेंगे टिन करने वाले गंजे 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 हाँ भाई जन कितने का टिन कराओगे टिन 10 रियाल की हो रही टिन मशीन ब्रेड कैंची 10 रियाल इससे कम की नहीं होती 10 की होती है ये क्लॉक टावर के अंदर क्लॉक टावर के अंदर नहीं बहुत महंगे ना ये महंगे ना ये चेक करो भाई जान बार बार शॉप से यहाँ पर सारी अंदर सारी अभी तो हुए भी नहीं तो कैसा लगूंगा मैं कैसा लगूंगा यार हेलो कोई नहीं सवाल का काम करवाना अरे भाई ये दुकान की दुकान की दुकान की दुकान सब दुकान ही दुकान टेंट करवानी बोले कैसे बाल बनवाने आज मैंने किया भाई बुखार में उमरा कुछ भी नहीं खाया पिज्जा के बाद से एक स्लाइस खाई थी उसके बाद कुछ भी नहीं खाया खाते और आज का खाना हम खाएंगे भाई लेट नाइट टेंट करवा ले उसके बाद फिर निकलते हैं खाने के लिए रेडी है ब्लेड भाई सर पे लगने के लिए यहाँ से मेरे ख्याल से बाल नहीं थे बीच में इसके टिंट तो बिल्कुल ही खाली है ब्लैक कलर की टिंट है ब्लैक कलर की अंदर से खाली टिंट ये भाई हंसते हंसते कभी हो गया हम दोनों तो भाई हो चुके हैं भाई ये रह गया बस तीन बंदों को टकले होने का 30 रुपए ओ सॉरी सॉरी 30 रुपए बाहर जाने में भाई थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है भाई इस तरह का अपना एहराम और बस डायरेक्ट जाके ऊपर कमरे में छुप जाएंगे और कल से हम पहनेंगे इसके ऊपर टोपी या तो कैप समझ रहे हो ना समझ रहे हो कौन ढूंढ रहा है ये ढूंढ रहे कैसे हो भाई ठीक हो पहचान में तो नहीं आ रहा आपका पूरी पहचान बिल्कुल बिल्कुल लेंगे पहचान लिया मैं तो बोलना छुप रहा है मेरे को ऐसे करना पड़ेगा वहाँ ऐसे कुछ भी अंडरटेकर आगे देख के जाना पड़ेगा भाई आगे गिर ना जाऊं कहीं ओए ओए नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा आगे खोलनी पड़ेगी थोड़ी सी आगे खोल लेता हूँ अब देखता हूँ अब क्लियर दिख रहा है सब भाई कैसा लग रहा है खुली खुली फिजा में खुली खुली ठंडी ठंडी हवा आ रही है मजा आ रहा है कौन लग रहा है गांधी सच में गांधी जी लग रहा है तुम लोग बताओ क्या लग रहे हो इधर दिखाओ तुम लोग टीचर लग रहे हो किसी जगह के हैं
अच्छी बात है। रात का खाना रात के 12:30 बजे लेने। वाह भाई वाह, उम्र फर्स्ट है ना, खाना बाद में था। ठीक है, मैंने 3-4 पहले ब्लॉग में बताया था कि भाई पहले इबादत देन खाना, तो बस खाने की रूटीन हमारी ज्यादा काफी चेंज हो गई है। जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर वही 8-7 बजे तो खाना खा लेते हम। देखो अभी हम आ गए, लेकिन अभी भी देखो माशाल्लाह कितने लोग जा रहे हैं उमरा करने, कोई तवाफ करने, मतलब 2400 घंटे लाखों घंटों का बस यही है। सुभान अल्लाह कि तवाफ और उमरा नहीं रोकते लोग, करते रहते हैं करते हैं, कोई सुबह करेगा, कोई रात को करेगा, कोई शाम को, मतलब एनी टाइम। हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह का है कि साथ ही जब एंटर होते हो तो आपको पूरा मॉल मिलता ही है, मतलब ऊपर फ्लोर पे शॉप्स हैं, और थर्ड फ्लोर पे जो सारा फूड कोर्ट है P3 पे। तो हम यहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं और हम जाते हैं P11 पे। होटल जो शुरू होता है वो P11 से शुरू होता है, लाइक दो लिफ्ट जब भी यूज करनी पड़ती है हमें, एक मॉल का हो गया, अच्छा ये होटल में जा रहे हैं, दूसरा फिर होटल का हो गया। जब भी यहाँ से गुजरो बड़े मस्त खुशबू आती है, हर किस्म के इधर पड़े हुए यहाँ पर, इधर 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 परफ्यूम, इधर लिफ्ट आगे भागो। जा मेरा रूम तो भाई लॉक है, सवा है ही नहीं कमरे में, हम चलते हैं पापा के कमरे में। माय मॉम, अरे कोई तो देखो, गंजे हो गए सही हाँ? पापा इधर बड़ी खुशी, लेकिन बता नहीं रहे, अगर मैं ये पाकिस्तान में होकर आता ना पापा ऐसा डांस करते पाकिस्तान में पापा को बड़ी खुशी होती बाल कटवाने की। सही लग रहा ना, तीनों बोलो खाने लेने गए, मैं ऊपर आ गया, मेरा पापा पहले दिखा दूं। हम देखो कैसा लग रहा है, देखा अच्छा लग रहा हूँ, अभी बाल बड़े होते बोलते बुरे लग रहे हो, क्या करें भाई क्या करें। अबे भाई रिएक्शन खराब कर दिया, मोबाइल पे लगा अंदर आ रहे हंस रहे यार, अच्छा लग रहा है क्या हो गया, कार्टून लग रहा है, बहुत सालों बाद टिन करवाई जब भी लग रहा हूँ। अच्छा बाबा भी हंस रहे, पहले बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई खाना आ चुका है, खाने में मंगाइए मैंने फिर दाल रोटी, क्या किसी तरह यूं करके भाई क्या पेन बन गया, गायब हो गया मेरे, गया एम बना हुआ। इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भाई बुरा बुरा नहीं बोलो भाई, उम्र की वजह से मेरा अटेंड हुआ यहाँ, ये सवाब तो काम है बहुत, है ना, सवाब है बहुत। सबको छोड़ो, इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अबे मैं कर रहा था भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मस्ट उनकी फैमिली यार इतनी प्यारी सी फैमिली है, मेरे को ना बड़ा अपना अपना सा फील होता है जब भी इनके व्लॉग देखते हो ना, उनके मम्मा इतने प्यारे, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर्स, उनकी वाइफ्स भी हैं, सारे बच्चों जैसे रहते हैं, मतलब एकदम अच्छे से रहते हैं ना, एकदम अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं, मतलब अच्छे से, एंड इतनी प्यारी सी फैमिली है, नजर ना लगे यार उनको, है ना, अल्लाह उन्हें नजरबंद से बचाए और उन्हें सेहतियाब करे, एंड बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं यार, है ना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।